एवरी वन वेलकम टू इंस्पायर वॉरियर सो लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर सबसे पहले हमने एंशियन हिस्ट्री स्टार्ट करी हुई है जो मैं उसको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है हिस्ट्री में हमने देखा था हिस्ट्री तीन पार्ट में होती है डिवाइडेड एनशियन मेडिवियल और मॉडर्न एंशियन होती है सबसे पुरानी मेडिवियल बीच में और मॉडर्न जो ब्रिटिश इरा था ओके एंशियन में भी प्री हिस्ट्री है उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक सबसे पुरानी ओल्ड स्टोन एज जो है मिजोलिथिक मिडल वाली स्टोन एज और न्योलिथिक जो नई वाली स्टोन एज ये तीनों ही जो स्टेजिज हैं इनको बोलते हैं स्टोन एज ओके उसके बाद हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देन हमने देखा था वैदिक पीरियड के बारे में जिसमें हमने अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेदा और बाद में लेटर वैदिक पीरियड द्वारा पढ़ा और ये भी हमने देखा कि इन दोनों को डिवाइड क्या कर रहा था आयरन की डिस्कवरी उसके बाद हमने बुद्धिज़्म जैनिज़्म देखा सिक्सटीन महाजनपद्स देखे इसमें से जो सबसे महाजनपद जो सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल था महाजनपद आपको आई होप याद होगा टेरेटरी ठीक है एक क्षेत्र बनना जब शुरू हुआ था तो मगध अम्पायर सबसे इम्पॉर्टेंट था मगध मगधम्पायर भी तीन डायनेस्टी में डिवाइडेड है हरियंका डायनेस्टी शीशुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी अब देखिए जब नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे वो वीक होना शुरू हो गए तो अब एक बंदा आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसकी हेल्प करता है चाणक्य जिसको आप लोग कोटिल्या भी बोलते हो और उसका एक और नाम है विष्णुगुप्ता कोटिल्या या चाणक्य या विष्णुगुप्ता हेल्प करता है चंद्रगुप्त मौर्य की ये दोनों मिलके हरा देते हैं नंदाज को ठीक है जो लास्ट डायनेस्टी हमने पढ़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य या कोटिल् के साथ मिलकर नंदा को हरा देती हैं और फाउंड करते हैं मौर्य डायनेस्टी तो अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में ये तो हमें पता चल गया कि मौर्य डायनेस्टी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट कर दी है ठीक है अब एक बंदा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर आप लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में अब ये जो अलेक्जेंडर है ये जो है इंडिया जो थी उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो है इसने काफ़ी जगह पे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आ चुका था और इसने थोड़ा जो क्षेत्र है वो जीता था यहाँ पे जब ये वापस गया तो यहाँ पे इसने क्या किया एक अपना जो है जनरल को आर्मी का जनरल वहाँ पर उसको छोड़ दिया कि तू इस जगह पर जो है इस टेरिटरी को जो है राज करेगा आज से तो अलेक्जेंडर ने जिस बंदे को इस पार्ट में छोड़ा था उसका नाम था सेल्युकस निकेटर अब सेल्युकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्युकस को हरा देते हैं अब सेल्युकस जो कि हार गया था वॉर को ये क्या करता है कुछ पार्ट अफगानिस्तान का और अपनी बेटी की शादी कर देता है चंद्रगुप्त के साथ क्योंकि वो हार चुका था ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि चंद्रगुप्त के पास अफगानिस्तान का भी कुछ पोर्शन हो गया था और जो कि इसने शादी कर दी थी उनकी बेटी के साथ तो ये थोड़ा सेफ़ भी हो गया था उस एरिया में ठीक है इस तरह से चंद्रगुप्त ने काफ़ी ज़्यादा शादियाँ भी की हैं मैट्रीमोनियल अलाइंस बोलते हैं मतलब आप क्या कर रहे हो पीसफुल मैथड से क्योंकि पीसफुल जब आप किसी किसी राजा की बेटी से शादी करोगे ऑब्वियसली वो राजा आपको जो है आपकी टेरिटरी पे अटैक नहीं करेगा इवन आपको एक सेफ पोजीशन देगा तो इस तरह से जो राजे थे पुराने वो इस तरह से पीसफुल वे में जो है अपना दबदबा बनाए रखते थे ठीक है अब सेल्युकोस निकेटर के कोर्ट में एक बंदा था मैगस्थीन तो सेल्युकोस निकेटर मैगस्थीन को बेचते हैं चंद्रगुप्त के कोर्ट में अब मैगस्थीन जो है वो एक बुक लिखते हैं जिस बुक का नाम है इंडिका ये बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका बुक जो है उसके राइटर कौन है तो मैगस्थीन ने इंडिका बुक लिखी है इन्होंने बुक इंडिका लिखी है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के बारे में ठीक है ये याद रखना है आपको और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को जो है अपनाया था तो चंद्रगुप्त जो है वो जैनिज़्म धर्म को अपनाते हैं ये हमने बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाले जो लेक्चर्स थे उसमें भी देखा है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है अब चंद्रगुप्त के बेटे जो हैं उनका नाम है बिंदुसारा बिंदुसारा जो हैं इन्होंने कनकर किया है लैंड बिटवीन द टू सीज इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडिया का मैप है इस साइड होती है अरेबियन सी और इस साइड है आपका बे ऑफ बंगाल तो लैंड बिटवीन द टू सीज मतलब ये जो ज़मीन है बिटवीन टू सीज दो समुद्रों के बीच में जो ज़मीन है ये पूरी ही कब्जा कर लिया था किसने बिंदुसारा ने तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि लैंड बिटवीन द टू सीज किस बंदे ने किस राजे ने गन कर किया था तो इसका आंसर है बिंदुसारा ने उस जमीन को कब्जा किया था जो कि दो सीज़ के बीच में थी आई होप आपको समझ आ रहा होगा एक अम्बेजर एम्बेडर क्या होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो जाते हैं कुछ जो चीज़ों को लेके या कुछ मैसेज को लेके ठीक है दो कंट्री के बीच में उसको बोलते हैं अम्बेजर तो ग्रीक से एक एम्बेजर थे जिसका नाम है डेमिकोस डेमिकोस जो हैं वो बिंदुसारा के कोर्ट में आते हैं ग्रीक से तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेमो डेमिकोस जो हैं वो किस राजा के कोर्ट में आए थे ओके अब बिंदुसारा का बेटा कौन है अशोका चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसारा बिंदुसारा का बेटा है अशोका अशोक शोक होता है दुख जो दुख से मुक्त हो जो दुख को मुक्त करे इसीलिए उनका नाम डाला है अशोका ऐसा माना जाता है कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार के ठीक है ये जो थ्रोन है ये जो गद्दी है उसको हासिल किया था अशोका अपने टाइम के ग्रेटेस्ट किंग जो है माने जाते हैं ठीक है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने डायरेक्ट कंटेक्ट करना शुरू किया लोगों के साथ सो so, अशोका जो है वो पहले रूलर हैं जो डायरेक्ट कंटेक्ट जो है बनाते हैं लोगों के साथ थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन आपको मैंने पहले भी बताया है इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेम्पल है टेम्पल की जो वॉल है या कोई पिलर है तो पिलर पे आपने देखा होता है कई बार जो है कुछ चीज़ें लिखी होती हैं या टेम्पल की वॉल पे लिखी होती है कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर जो लिखा हुआ हो ठीक है मैसेज उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन ठीक है तो अशोका क्या करते थे जगह जगह जो है पब्लिक की इन चीज़ों को पढ़े जगह जगह पिलर्स पे वॉल्स पे कुछ मैसेज जो है लिखवा देते थे कि लोग उनको पढ़ें इस तरह से अशोका जो है वो डायरेक्ट कंटेक्ट बनाते थे लोगों के बीच में तो क्वेश्चन आता है पहले वो कौन से राजा हैं जो डायरेक्ट कंटेक्ट जो पीपल से करना शुरू करते हैं सो so, इसका आंसर है अशोका ओके okay? अशोका जो है वो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अशोका किस धर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं खुद को तो अशोका जो है बुद्ध धर्म में जो हैं है कन्वर्ट होते हैं और उनको बुद्ध धर्म में किसने कन्वर्ट किया है उन बंदे का नाम है उपागुप्ता तो ये क्वेश्चन बनता है कि अशोका जो है किस ऋषि के अंडर जो है बुद्धज़म में जो है कन्वर्ट होते हैं तो आंसर है उपागुप्ता अशोका ने कई सारे पिलर्स बनाए एडिक्स बनाए ठीक है अब क्वेश्चन आता है ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से बंदे हैं जिन्होंने पहली बार डेसीफर का मतलब होता है कि मैसेज को डी करना कि लिखा क्या है ठीक है तो क्वेश्चन आता है कि पहले ऐसे बंदे कौन हैं जिन्होंने सबसे पहले डेसीफर किया है देखा है पढ़ा है डी किया है कि अशोका में लिखा क्या है उसकी एडिक्ट पे, उसके पिलर्स पे क्या लिखा हुआ है ठीक है 1837 की बात है और उस बंदे का नाम है जेम्स प्रिंस जेम्स प्रिंसप पहले बंदे हैं जो अशोका के जो पिलर्स हैं एडिक्स हैं उनको जो मैसेजेस लिखे हैं उसको पढ़ पाते हैं तो 1837 की बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एडिक्स या पिलर्स जो हैं ये बड़े बार जो है मैक्सिमम टाइम जो हैं पब्लिक प्लेसिस पर रखे जाते थे कि मैक्सिमम लोग जो हैं इसको रीड कर सके ओके okay? अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एक वॉर होती है जिसको बोलते हैं कलिंगा वॉर कलिंगा कौन सा एरिया है उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है उसको बोलते हैं कलिंगा तो कलिंगा का युद्ध होता है 261 बीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलिंगा का वॉर 261 बीसी में होता है और ये किस जगह से हमें पता चलता है कि ये वॉर हुई थी ये युद्ध हुआ था एक रॉक पिलर है रॉक का एडिक्ट है। रॉक एडिक्ट थर्टीन ठीक है ये पूछते हैं कौन सी रॉक एडिक्ट या रॉक पिलर पे लिखा हुआ है कि कलिंगा वॉर हुई थी तो रॉक एडिक्ट थर्टीन नंबर पे जो है उस पर लिखा हुआ है कि जो अशोका ने एक वॉर लड़ी थी एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था कलिंगा वॉर और इस वॉर के बाद जो अशोका है ये वॉर छोड़ देते हैं ठीक है युद्ध छोड़ देते हैं क्योंकि इस युद्ध में इतने ज़्यादा लोगों की जान जो गई थी बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था बहुत ज़्यादा खून बहा था इससे हुआ क्या था इस वॉर में कि वहाँ के जितने भी लोग थे कलिंगा के वो सभी मर चुके थे तो कोई भी राजा जो है कब अटैक करता है क्यों अटैक करता है कि वो वहाँ के लोगों पे राज कर सके बट इस वॉर में हुआ क्या था कि कोई भी बंदा जीवित नहीं रहा था जिसकी वजह से अशोका का दिमाग जो है घूम गया वो बोलता है मैं राज किस पे करूँगा सो ही वार सो मच डिस्टर्ब कि उसने ये प्रण ले लिया कि वो आज से जो है वॉर नहीं लड़ेगा सो so पूछते हैं क्वेश्चन की लास्ट वॉर कौन सी थी अशोका की अशोका की लास्ट वार थी कलिंगा वार 261 बीसी में हुई है और ये हमें कहां से पता चलता है रॉक एडिक्ट थर्टीन ओके okay? इस वॉर के बाद अशोका जो है बुद्ध धर्म अपना लेते हैं और किसके अंडर जो है बुद्ध धर्म उन्होंने अपनाया है उपगुप्ता ओके okay? अब एक दो पिलर आपको और याद रखना है कई बार एनडी या सीडीएस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं फॉर एग्जांपल पिलर एडिक्ट जो सेकंड है ठीक है पिलर नंबर सेकेंड जो है इसके बारे में जो है इसमें क्या दिया गया है दम्मा जो है उसका जिक्र करते हैं दम्मा का मतलब होता है कि जो बुद्ध धर्म है उसका प्रचार करना ठीक है वो चीज़ अशोका ने जो अपना नाम अशोका जो है वो सिर्फ चार ही जगहों पे जो नाम अपना लिखा है बाकी जगहों में मैं बताती हूँ क्या लिखा है उसने नाम तो आपको ये याद रखना है कि अशोका ने अपना जो रियल नेम है अशोका वो सिर्फ फोर प्लेसेस पे लिखा है जैसे कि मस्की ब्रह्मगिरी कर्नाटका में गुजारा जो एम में और नेटूर आंध्र प्रदेश में ठीक है तो ये चार ही जगह है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मस्की का यू में ठीक है कि मस्की में ही उसने जो है अपना नाम लिखा हुआ है बाकी जगह है ब्रह्मगिरी गुजारा और नेटूर ओके अब देखिए कौन सी भाषाएं जो यूज़ करता था अशोका जब उसने इंस्क्रिप्शन या जो हार्ड सरफेस जो पिलर्स पे लिखा होती थी चीज़ें जो मैसेजेस लिखे होते थे इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें उसने मगधी लैंग्वेज जो तो है बिहार वाली साइड मगधी लैंग्वेज में लिखा होता था जो ये वाला पार्ट है वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसमें उसने प्राकृतिक जो है खरोशती स्क्रिप्ट में लिखा होता था ठीक है ये जेके एस एस बी जो क्लास फोर्थ का एग्जाम था उसमें पूछा था कि किस किस लैंग्वेजेस का यूज़ किया है अशोका ने तो ईस्टर्न पार्ट में मगधी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और वेस्टर्न पार्ट जो था उसमें प्राकृतिक खरोशती स्क्रिप्ट में और वो कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ करते थे ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेजेस को भी यूज़ करते थे ये आपको याद रखना है अब अशोका जो है वो जगह जगह क्या बनाते हैं हॉस्पिटल्स धर्मशालाज सराय सराय क्या होते हैं रेस्ट हाउसेस ओके तो ये सब जो है अशोका ने बनाए हैं इसीलिए वो जो लोगों के जो हैं प्रिय राजा जो बने हुए हैं ठीक है अब अशोका ने अपनी जो बेटी है उनका नाम है संगामित्रा और उनके बेटे का नाम है महेंद्र अपनी बेटी संगमित्रा और बेटे महिंद्र को उन्होंने सिलोन सिलोन क्या है श्रीलंका ओके सिलोन में उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को भेजा कि वो बुद्धिज़्म धर्म को जो है स्प्रेड कर सके ओके अशोका का जो राजकाल था उसके दस साल के बाद उन्होंने विजिट किया गया को बोध गया ठीक है याद होगा आपको बुद्धिज़्म में हमने पढ़ा है एंड बीस साल जब हो गए उनके राजकाल को तो वो जाते हैं लुम्बिनी में ठीक है तो लुम्बनी में जाके वो टैक्स फ्री कर देते हैं उस जगह को उस जगह से वो टैक्स लेना जो है बंद कर देते हैं और वो वहाँ पे जाके कर रुमनीदेही पिलर जो इस्टाब्लिश कर देते हैं क्योंकि लुम्बनी में जो है बर्थ साइट है ठीक है बर्थ प्लेस है बुद्धा की तो बुद्ध साइट पे वो रुमनीदेही पिलर बनवा देते हैं ठीक है ट्वेंटी ईयर में ट्वेंटी साल जो हो जाते हैं जब उनके राज्यकाल को फोर्टीनथ ईयर में उन्होंने धर्म जो ऑफिसर्स बनाए ऑफिसर जैसे कि कोर्ट में जो बंदे उन्होंने बनाए कुछ उनको बोला उन्होंने धर्म महापात्र अब धर्म महापात्राज को उन्होंने बोला कि आप वो बंदे हो जो दम्मा का प्रचार करोगे ठीक है आप बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार करोगे तो ये सब जो है अशोका ने किए हैं अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रीलंका जो है वो पहली कंट्री थी जहाँ पे बुद्धिज़्म जो है सबसे पहले जो है स्प्रेड हुआ था ठीक है बुद्धिज़्म जो है हमारे देश से जो है उत्पन्न हुआ है पैदा हुआ है और सबसे पहले कंट्री जिसमें वो गया है उसका नाम है श्रीलंका अशोका को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो है जाना जाता है जैसे कि बुद्ध शाक्या ठीक है अशोक अशोक उसको मस्की में कर्नाटका जी की जो एडिक्ट है वहाँ पे उनको जाना जाता है ठीक है उसके बाद धर्म अशोका उनको बोला जाता है सारनाथ इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा जो नाम उनके नॉर्मली जो मैक्सिमम टाइम लिए जाते हैं उन नाम को भी हम देखने वाले हैं अशोका को सिर्फ चार ही जगह पे उनके रियल नाम से पुकारा जाता है जो मैंने अभी आपको बताए बाकी जगह पे उनको जो नाम लिखा गया है उनका नाम लिखा गया है देव नाम पिया देव नाम पिया मतलब देव होते हैं देवता गॉड पिया का मतलब होता है प्रिय लव्ड तो बिलव्ड ऑफ गॉड्स अशोका जो है वो हर एक पिलर पर यही लिखवाते थे कि जो अशोका है उनको देवनाम पिए से रेफर करते हैं कि ये जो अशोका है ये ऐसा बंदा है कि गॉड का भेजा हुआ बंदा है गॉड इसको बहुत प्यार करते हैं ये राजा मैक्सिमम इस तरह से चीज़ें इसलिए लिखवाते थे कि वो गॉड के भेजे हुए मैसेंजर हैं कि लोग उनकी जो है पूजा करें गॉड की तरह ही उनकी, उनकी उनसे श्रद्धा रखें और गॉड की तरह ही उनकी पूजा करें उनसे जो है लगन लगाए रखें ठीक है कि उनकी बात माने इसलिए राजा इस तरह से चीज़ें करते थे ठीक है देव नाम पिए और पियादासी पियादासी का मतलब भी होता है प्लीजिंग अपेयरेंस जिनकी खुश रहने वाली अच्छी जो नेक जो चीज़ें हों ठीक है तो अगर क्वेश्चन आए आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं देव नाम पियादासी और पियादासी किसके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो ये वर्ड किए जाते हैं यूज़ अशोका के लिए ओके अब देखिए सम्राट उनको बोला जाता है बबरू जगह है वहाँ पे अब कुछ स्टूपास हैं स्टूपास मैंने आपको बताए हैं बुद्धिज़म चैप्टर में फिर से देखिए जब अशोका की डेथ हुई थी जो इनके एशिज थी जो इनकी अस्थियं थी छोटे छोटे मटकों में जो है रखी गई ठीक है और इन मटकों को आठ पार्ट में डिवाइड कर दिया गया उसके बाद इन मटकों को जो है अंडरग्राउंड अर्थ में जो है दबाया गया और इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसको बोलते हैं स्टूपाज ठीक है जैसे कि सांची स्टूपा है वो मध्य प्रदेश में है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेके एस में सांची स्टूपा के लिए क्वेश्चन पूछा चुका है सांची स्टूपा एम में है बरत स्टूपा भी एम में है और देहरोकथार स्टोपा भी एम पी में है। ये तीनों आपको याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है अब टॉपिक है कि सिग्निफिकेंस क्या है क्या खासियत है मोरियन डायनेस्टी की मोरियन डायनेस्टी देखिए जो एम्ब्लम है हमारा नेशनल एम्बलम है इस तरह का जो हाथी जो बने हाथी सॉरी जो लाइन बने हुए हैं फोर जो लाइन बने हैं इस तरह से हमारे एम्ब्लम जो है ठीक है ये जो फ़ोर लाइन का एम्बलम है हमने कहाँ से लिया हुआ है अशोका पिलर जो है सारनाथ पे जगह पे है वहाँ से हमने एम्बलम जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का वहाँ से लिया हुआ है ठीक है फ़ोर लाइन्स वाला उसके बाद जो है अशोका टाइम पे कई सारे गुरुकुल्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं वो बनी हुई थी जिससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो पनपना शुरू हो गया है उसके बाद हमें कई सारी जो चीज़ें हैं लिटरेचर हैं बुक्स वगैरह मिलती हैं मॉडर्न डाइनेस्टी से जिससे हमें मोरियन डायनेस्टी का जो राजकाल था वो किस तरह से वो पता चलता है ठीक है अब देखिए फॉल मोरियन अम्पायर का फॉल कैसे होता है उसके रीजंस क्या है सबसे पहले जो अशोका है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है दान दक्षिणा जो है बुद्धिज़्म को देना शुरू कर दी बौद्ध मोक्स से जो उनको देना शुरू कर दी जो सेक्रीफाइजिज हैं जैसे मतलब कि गायों का सेक्रीफाइजेज बकरों का सेक्रीफाइजेज उस तरह से जो सेक्रीफाइस ये यज्ञ होते थे वो नहीं करवाना चाहे उन्होंने तो होता है क्या है इससे जो ब्राह्मण्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा हो गए हैं अशोका से ब्राह्मण्स जो हैं उनसे जो प्रेम करना उन्होंने बंद कर दिया अशोका से ठीक है वो अलग से ही अपनी पार्टी बनाना शुरू कर देते हैं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो ब्राह्मीण्स उनसे जो है अलग हो जाते हैं नेक्स्ट जो है जो अशोका के सक्सेसर थे जो उनकी पीढ़ियाँ आगे आ रही हैं वो वीक थे और वो इतने बड़े साम्राज्य को जो है वो नहीं संभाल पाए ठीक है तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है लास्ट जो मौरियन किंग थे उनका नाम है वृद्धरथा ठीक है अब जो वृद्धरथा है इनकी जो डेथ है वो कैसे हो जाती है वृद्धरथा के जो आर्मी कमांडर थे जिसका नाम है पुष्यमित्र सुंगा तो पुष्यमित्र सुंगा जो है लास्ट मौरियन डायनेस्टी के रूलर हैं वृद्धरथा है, इनकी जो है मर्डर कर देते हैं जैसे ये मर्डर कर देते हैं खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं और एक नई डायनेस्टी बनाते हैं जिसका नाम है सुंगा डायनेस्टी तो पुष्यमित्र सुंगा जो है वो फाउंड करते हैं सुंगा डायनेस्टी को ठीक है इन्होंने इवन एक बैक्टेरियन किंग थे जो उनको भी हराया ठीक है जिसका नाम था डिमेट्रियस अब पतंजलि के बारे में आपने सुना होगा ठीक है आजकल जो पतंजलि चल रहा है वो नहीं पतंजलि एक ब्राह्मण था ठीक है जो किसके कोर्ट पे था पुष्यमित्रा के कोर्ट में रहता था ठीक है तो पतंजलि क्वेश्चन अगर आए और पूछा जाता है एनडीए के एग्जाम में और सी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि पतंजलि जो है वो किसके कोर्ट में था वो पुष्यमित्र सुंगा के कोर्ट में था नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निमित्र नेक्स्ट राजा है पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र अग्निमित्र जो है ये हीरो हैं कालीदास जो है एक बहुत बड़े पोएट रहे हैं जो ड्रामा जो लिखते हैं ठीक है कालिदास का एक ड्रामा है बहुत ज़बरदस्त मालविका अग्निमित्रम मालविका अग्निमित्रम जो ड्रामा है उसके जो हीरो हैं वो अग्निमित्र हैं ठीक है सुंगा डायनेस्टी से सुंगा जो थे ये ब्राह्मण्स थे ठीक है इन्होंने ब्राह्मण्स क्योंकि मैंने आपको बताया मोरन डायनेस्टी ने जो है ब्राह्मण्स को जो है वो अलग कर दिया था अब यहाँ पे जो डायनेस्टी है ब्राह्मीस आप देखोगे ब्राह्मीस जो है फिर से आ रहे हैं और भगवतिज्म का जो है वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन कौन से आपको डायनेस्टीज देखने को मिल रही हैं सुंगा डायनेस्टी उसके बाद कानवा डायनेस्टी आएंगी चेडीज़ आएंगे कलिंगा के उसके बाद सतवानास शुंगा तो हमने देख लिए अब कानवा की अगर बात करें कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है वासुदेव ठीक है जिन्होंने लास्ट सुंगा जो किंग थे देव उनकी डेथ की है ठीक है इनको मार दिया मर्डर कर दिया है इनका ओके तो कानवा डाइनेस्टी के फाउंडर हैं वासुदेव जिन्होंने डेथ करी है किसकी देवबूटी जो कि लास्ट सुंगा किंग थे उसके बाद जो नेक्स्ट डाइनेस्टी है चेडीज़ हैं जो कलिंगा के ये हमें कहा से पता चलता है कि कलिंगा में जो उड़ीसा का एरिया है यहाँ पे जो है चेडीज़ रहते थे हमें कैसे पता चलता है क्योंकि एक हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया हार्ट सरफेस तो एक हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है जहाँ से हमें पता चलता है कि कलिंगा में इन्होंने राज किया है उसके बाद एक डायनेस्टी आती है जिनका नाम है सतवाहनाज या जिनको आंद्राज बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया तो ये जो बीच में यहाँ पे इस एरिया में जो रहते थे वो थे सतवाहनाज अब सतवाहनाज को नॉर्थ और साउथ का जो है वो ब्रिज माना जाता है एक पुल माना जाता है कि नॉर्थ और साउथ को जो डिवाइड करते हैं डायनेस्टी उनका नाम है सतवाहनाज या आंद्रास ओके तो फाउंडर कौन है सतवाहनाज के सिमुका सिमुका जो किंग है वो फाउंडर है सतवाहानाज के सतवाहनाज कौन कौन से एरिया जैसे कि इस टाइम पे जो आंध्र प्रदेश है तेलंगाना वाला एरिया है जो और महाराष्ट्र के एरिया है इस एरिया में जो थे वो थे सतवाहनास ओके मोस्टली इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इन्होंने लेड क्वंस जो हैं लेड के सिक्के हैं वो किए थे और इम्पोर्टेंट किंग है इस टाइम पे गौतमीपुत्र सतकर्णी ठीक है नेक्स्ट एक जो इरा आता है संगम एज संगम एज क्या है संगम एज संगम जो वर्ड है संगम लिटरेचर से बना हुआ है लिटरेचर आपको पता है बुक्स या टेक्स्ट को बोलते हैं अब संगम लिटरेचर में क्या होता है असम्बलीज़ हुई थी तमिल पोइट्स की ठीक है जो तमिल जो रीजन है वहाँ पे जो कवि थे उनकी जो असेंबलीज होती हैं उसको बोलते हैं संगम एज संगम एज में आप देखोगे तीन जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हैं जैसे कि पांड्याज चोलाज और चेरास तो एक नज़र डाल लेते हैं इन पे पांड्याज जो है इनकी कैपिटल है मदुराई ठीक है और पांड्याज जो थे ये फेमस से पर्ल्स के लिए ठीक है फेमस से पर्ल्स के लिए जो मोती जो जड़े हुए होते हैं ठीक है उनके लिए ये ट्रेड करते थे ठीक है और मैक्सिमम यहाँ पे आप देखो कि, कि विमेंस ने यहाँ पे राज किया हुआ है ये रोमन अम्पायर से जो है ट्रेड करते थे तो ये आपको याद रखना है जितने भी साउथ में जो अम्पायर है ये रोमन अम्पायर से जो है ट्रेड करते थे लाइफ लाइन इनकी रहती है फेंगी रिवर उस टाइम पे पांड्यास की ठीक तो है तो कैपिटल है मदुराई पर्ल्स का ये ट्रेड करते थे वुमेंस ने रूल किया हुआ है रोमन अम्पायर के साथ इन्होंने ट्रेड किया हुआ है और जो मेन रिवर है फेंगी रिवर ठीक है नेक्स्ट है चोलास चोलास को चोला मंडलम या कोर मंडल जो है वो भी बोलते हैं यहाँ पे एक टाउन था इनके पीरियड में उरेमुर उेर -उर जो टाउन है ये फेमस था कॉटन के लिए तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि उरेऊर -उर किसके लिए फेमस है तो आप लिखोगे कॉटन ट्रेड के लिए इनकी कैपिटल है कावेरी पट्टनम या पुहार ठीक है आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है वहाँ पे मेन सोर्स जो वेल्थ का था इनका था कॉटन ठीक है तो चोलास किसके लिए फेमस हैं कॉटन के लिए पांड्याज किसके है? लिए हैं किस पर्ल्स के लिए चोलास की आपको एक ये याद रखना है कि इनकी जो नेवी थी उस टाइम की बहुत ही महत्वपूर्ण थी इम्पॉर्टेंस इनकी यही है कि इनकी ज़बरदस्त जो एफिशिएंट नेवी है लास्ट जो है चेरास चेरास की कैपिटल है वांगी वांगी और ये जो है केरला कंट्री भी इनको बोलते थे ठीक है और इनका भी जो ट्रेड था वो रोमन्स के साथ था ओके संगम एज के बारे में देखें संगम एज असेंबली है तमिल पोएट्स की अंडर रॉयल पैटरीने जो स्पेशली थी पांड्यास देते थे जिनकी कैपिटल थी मदराई ओके तो पांड्यास ने मैक्सिमम तमिल जो ये पोएट्स की जो असेंबलीज करवाई हैं ये पोस्ट मौर्या की हैं और गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होने से पहले असेंबली हुई हैं तो ये या आपको याद रखनी है पहली असेंबली जो संगम की हुई थी वो मदुराई में हुई थी और चेयरपर्सन थे इनके पहली के अगस्त सेकेंड जो संगम जो असेंबली हुई है वो कपटपुरम में हुई है और चेयरमैन है इसके टोला कपियर ओके थर्ड असेंबली हुई है इनकी मदुराई में और इनके जो चेयरपर्सन है वो हैं नोकेर ये याद रखनी है अगर आप एन डी या यू की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि फादर ऑफ तमिल लैंग्वेज किसको बोलते हैं तो वो बोलती हैं अगस्त्य को ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में और हर्षवर्धन का जो टाइम था वो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा किसी भी तरह का डाउट हो अगर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून